नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा पर पिछले दो महीने से विवाद जारी है। हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही पूरे देश में गुस्से का माहौल है। एक तरफ जहां लोग चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग नौकरी भी छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला कोलकाता से जुड़ा है, जहां 100 से ज्यादा जोमैटो डिलीवरी बॉयज ने नौकरी छोड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि जोमैटो चीन की कंपनी तो नहीं है, लेकिन इसमें चीनी कंपनी का निवेश है और इसीलिए 100 से ज्यादा जोमैटो कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। फूड डिलीवरी करने वाली जोमैटो एक भारतीय कंपनी है जिसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में है, लेकिन चीनी कंपनी अलीबाबा की सहायक कंपनी एंट फाइनेंशियल ने $1 मिलियन से ज्यादा का निवेश जोमैटो में किया है, जिससे जोमैटो को होने वाले फायदे का कुछ हिस्सा चीनी कंपनी को मिलता है और इसी वजह से कोलकाता के बेहला इलाके के 100 से ज्यादा जोमैटो के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला लिया। शनिवार को इन कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जोमैटो की टी शर्ट भी जलाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मेहनत से जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसे चीन को नहीं देना चाहिए। इनका कहना है कि हमारे पैसे से वो हमारे देश की सेना पर हमला कर रहे हैं और हमसे हमारी जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कर्मचारियों ने कहा कि हम और हमारा परिवार भूखे रह लेंगे, लेकिन हम किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करेंगे जिसमें चीन ने निवेश किया हो। आपको बता दें कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद लोग चीनी कंपनियों और चीनी ऐप को निशाना बना रहे हैं। पूरे देश में लोग चीनी ऐप को अपने फोन से हटा रहे हैं। इसके लिए रिमूव चाइनीज ऐप नाम से एक एप्लीकेशन भी आया है, जो फोन में चाइनीज ऐप की पहचान कर उसे डिलीट करता है। चीनी कंपनियों के अलावा स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमैटो जैसी भारतीय कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन कंपनियों में चीनी कंपनियों ने बड़ा निवेश कर रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।